हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम समझेंगे इग्निशन टेम्परेचर को विद एन एक्टिविटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज एन इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है? तो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट बर्न इज कॉल्ड अ इग्निशन टेम्परेचर। तो एक मिनिमम टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का जिसमें वो जलना स्टार्ट कर देता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। हर सब्सटेंस का अपना अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है। कुछ सब्सटेंस जल्दी जल जाते हैं, कुछ सब्सटेंस देर में जलते हैं। तो जो जल्दी जल जाते हैं उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं लो इग्निशन टेम्परेचर। जैसे कि हुआ पेट्रोल। पेट्रोल क्या होता है? एक बस स्पार्क से या चिंगारी से जलना स्टार्ट कर देता है। दे कैन इजिली विद बर्न विद अ स्पार्क ऑफ फायर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? लो इग्निशन टेम्परेचर। तो द पेट्रोल हैव अ लो इग्निशन टेम्परेचर। वहीं अगर हम लेते हैं वुड की बात, लकड़ी की बात लेते हैं, तो लकड़ी को काफ़ी हीट करना होता है तब जाके वो जलती है। तो हम बोल सकते हैं वुड हैव अ हाई इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, आई होप आपको लो इग्निशन टेम्परेचर और हाई इग्निशन टेम्परेचर का डिफरेंस मालूम पड़ गया होगा। अच्छा, इसमें एक टर्म और आता है इनफ्लेमेबल। तो इनफ्लेमेबल का भी मतलब वही ही होता है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच कैच फायर ईजिली। जैसे कि पेपर हुआ, इथेनॉल हुआ, पेट्रोल हुआ। ठीक है, ये क्या होता है? ये फायर को ईजिली कैच कर लेते हैं, तो उनको इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा अगर हम लो इग्निशन टेम्परेचर और हाई इग्निशन टेम्परेचर वाले सब्सटेंस को मिक्स कर दें? क्या जो नया प्रोडक्ट होगा उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी? चलो वो देखते हैं हम एक विद एन एक्टिविटी। स्टार्ट करते हैं। लो इग्निशन टेम्परेचर और हाई इग्निशन टेम्परेचर को समझेंगे। इधर मैंने ये पेपर का कप लिया है, इसका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो ये क्या होगा, जैसे ही इसके पास फायर जाएगी ये जल्दी से आग पकड़ लेगा और जल जाएगा। करके देखते हैं। जैसे कि मैंने इस पर रखा फायर के नीचे, तो ये क्या करेगा, जल्दी से आग पकड़ लेगा और तुरंत जलने लग जाएगा। जैसे कि देख रहे हो धुआं निकल गया और ये तुरंत ही तुरंत क्या हो गया, जल गया। ठीक है, अपने इसके अंदर पानी भर दिया है, जिसका क्या होता है, पानी का हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये देर में जलेगा या नहीं उसको देखते हैं। अब इसमें पेपर है जिसका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है और इधर वाटर है जिसका हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो देखते हैं ये जल्दी बर्न होता है या फिर उससे ज़्यादा टाइम लेता है। तो देख सकते हैं अब आप एवोपोरेट होना स्टार्ट हो गया है, मतलब वाटर हमारा इधर बॉइल हो रहा है। जो हमारा कप है जिसका लो इग्निशन टेम्परेचर था वो इधर जला नहीं, बिकॉज जो वाटर है जिसका हाई इग्निशन टेम्परेचर है उसने सारी हीट एब्जॉर्ब कर ली।